क्रेडिट कार्ड के नियम में संशोधन, अब 12वीं पास छात्रों को मिल सकेगा लैपटॉप। मंगलवार को बिहार कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियम में संशोधन को लेकर लिया गया। बैठक में फैसला किया गया कि जो छात्र टेक्निकल पढ़ाई कर रहे होंगे, उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लैपटॉप मिल सकेगा। लैपटॉप का अधिकतम मूल्य 35,000 रुपए होगा। नीतीश सरकार के इस फैसले से छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। साल 2016 में नीतीश सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत 12वीं पास छात्रों को 4,00,000 रुपए तक का शिक्षा ऋण देने का प्रावधान किया गया था। आपको बता दें कि कुछ समय पहले टेक्निकल छात्रों ने संवाद कार्यक्रम में लैपटॉप की समस्या का मुद्दा उठाया था, जिस पर सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नियम में संशोधन करने का फैसला किया है। अब जल्द ही छात्रों को लैपटॉप मिल सकेगा। बताया जा रहा है कि इस संशोधन से करीब 50,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा। इसी के साथ ही इस बैठक में राज्य के 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल स्थापित करने की भी मंजूरी पर फैसला लिया गया। वहीं साथ ही 12 पॉलिटेक्निक में भी लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 856 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल की इस बैठक में और भी बहुत से कई अहम फैसले लिए गए। किसानों के लिए फसल सहायता योजना में कम से कम 500 रुपए देने का प्रावधान किया गया। राज्यों के छात्रों के लिए 12 बॉयज एंड 9 गर्ल्स हॉस्टल के 336 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसी के साथ ही 18 बॉयज और 16 गर्ल्स हॉस्टल के लिए भी अलग से 520 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेशन भारत के न्यूज रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट। देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को।